शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में आज उज्जैन में एक रैली का इनाकाद किया गया। इस रैली का आगाज दोपहर 1 बजे टावर चौक से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बेगमबाग कॉलोनी में एहतजाजगाह इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और शहर तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर भीम आर्मी के रियासती सदर सुनील आस्थे ने कहा कि ये कानून मुल्क के आईन के खिलाफ है, लिहाजा हम इस कानून की मुखालिफत करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हम इसी तरह मुजाहरे करते रहेंगे। आपने बेगमबाग कॉलोनी में हो रहे एहतजाजी मुजाहरे में भीम आर्मी के ताउन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी रोज अव्वल से ही इस एहतजाज का हिस्सा है और हम इस एहतजाज में अपना हर मुमकिन ताउन करेंगे। जो आज इस मुल्क के संविधान की रक्षा करना चाहती है, हिफाजत करना चाहती है, जो अपने खून और पसीने से इस मुल्क की हिफाजत करना चाहती है, इसने इस बात का दृढ़ संकल्प कर लिया है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम अपने पसीने की एक एक बूंद बल्कि अपने खून की एक एक बूंद बहा देंगे और इस कानून को वापस करवा कर रहेंगे। अरे हम क्या चाहते हैं? संविधान वाली, अरे नेहरू वाली, अरे मौलाना अब्दुल कलाम वाली, अरे भाई वाली, अरे भूपई से, अरे भेदभाव से, अरे संघवाद से, अरे गौरसेवाद से, अरे जातिवाद से आजादी। हम नहीं डरेंगे, बोलो। अरे हक हमारा, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे। जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप-चप करता है, मोदी चप-चप करता है, हम क्या चाहते हैं? चांद से प्यारी, प्यारी प्यारी पंचवाद से, मनुवाद से, भेदभाव से हम नहीं रुके। कल का आया हुआ वो एक चाय वाला कहता है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दलितों को लिख करके देंगे कि आप भारत के नागरिक हो, तभी क्या हमें नागरिकता प्राप्त होगी क्या? आज इस मंच पर, बेगमबाग के मंच पर हिंदुस्तान का मुसलमान और दलित एक साथ है, इससे बड़ी नागरिकता और क्या चाहिए उस चाय वाले को? उतार इस रैली के रूप में मैं आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। फिर योद्धाओं की जरूरत है तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक इशारा करें हम लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तैयार रहें। और मैं हमारे उज्जैन भीम आर्मी के जो हमारे जाबाज साथी है, यहाँ पर जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको जोर से क्रांतिकारी जय भीम आजादी। तो मैं तुम्हें 2 मिनट लूंगा क्योंकि ज्यादा देर बोलूंगा तो वीडियो कर लेंगे ना, फिर देरगढ़ पक्की है मेरी। आज जो एनआरसी और सीएए परेड चल रहा है बेगमबाग के अंदर उज्जैन में, हम लोग यहाँ समर्थन किया हमने और आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा उज्जैन टावर से एक जोरदार रैली निकाली जिसमें हजारों युवा दलित ओबीसी आदिवासी और मुसलमान सारे लोग उसके शामिल थे उसमें। और खास करके ये जो रैली है ये पूरे शहर में निकली और कहीं ना कहीं एनआरसी और सीए के विरोध में हम लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी लगी हुई है और हमारा कल भी प्रोग्राम पड़वानी में, परसों खरगोन में और उज्जैन के अंदर रोज हमारे भीम आर्मी के जाबाज से यहाँ पर आकर समर्थन करते हैं। हम लोग डेली हम लोग समर्थन नहीं करते, हम लोग ज्वाइंट करते हैं इनको, हम लोग साथ बैठते हैं बात करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी लगी हुई है और जब तक ये मोदी और शाह इस बिल को फिर से बाइकॉट नहीं कर देते, वापस नहीं लेते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है और अगर इनको लगाना है इमरजेंसी तो उसके लिए हम लोग तैयार है।